बात करें नोकिया 6.1 प्लस की तो अपनी जगह बहुत ज्यादा बेहतरीन फोन देखने को मिल जाता था। लाखों यूनिट्स कंपनी ने सोल्ड भी करी है इंडिया में सक्सेसफुली, पर क्योंकि आपका बहुत ज्यादा महीनों पुराना फोन हो चुका है नोकिया एक्सिस यानी चाइना में लॉन्च हुए हुए, तो ऐसे में उसका सक्सेसर आपका आने वाला है जिसका नाम होगा आपका नोकिया X7 या फिर आपका नोकिया 7.1 प्लस। तो आज की वीडियो में देखेंगे इसके हैंड्स ऑन इमेजेस, इसके बाद करेंगे स्पेसिफिकेशंस क्यों निकल कर आई हैं और इसका जितनी भी चीजें अब तक निकल कर आई है आपको सारी की सारी आपको बताने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट वैसे कि बहुत ध्यान से वीडियो के अंत तक देखते रहना। तो अगर बिना टाइम पास करें जल्दी से बात कर ले इसके स्क्रीन साइज की, तो आपको 6.1 इंचेस की मिलती है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ और उसके लिए आपको मेटालिक बिल्ड तो देखने को मिल जाती है और उसके अलावा हैंड्स ऑन इमेजेस आप सामने देख ही सकते हैं आपका फोन किस तरीके का आपको टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा बात कर ले यहाँ पर प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 710 बताया जा रहा है और क्योंकि आपका स्नैपड्रैगन 710 कई महीनों पुराना प्रोसेसर हो चुका है पर अभी भी बहुत सारे फोन्स में देखने को नहीं मिला है, यानी यहाँ पर इस बार आपको सरप्राइज देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा बता दो आपको 4GB रैम मिलेगी 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ और उसके अलावा 6GB रैम मिलेगी 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ और उसके अलावा इसमें आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपको 3400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और इसके अलावा 18W की यहाँ पर फास्ट चार्जिंग बताई जा रही है और इसके अलावा USB-C टाइप तो देखने को मिलता ही है। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूँ, आपको 3.5mm जैक भी देखने को मिलेगा, नहीं रिमूव नहीं करा गया है। और उसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर तो आपको फिजिकल वाला देखने को मिलेगा ही। और उसके अलावा फोन के अंदर आपको 8.1 ओरियो ही देखने को मिलेगा क्योंकि आपका फोन का लॉन्च आपका जल्दी ही बताया जा रहा है। और उसके अलावा फोन आपका कैसा दिख जाता है डिजाइन वगैरह के मामले में, हाथों में कितना बड़ा देखने को मिलता है आप सामने देख ही सकते हैं। और उसके अलावा कैमरा डिपार्टमेंट की बात करिए तो आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाता है, 12 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। सेकेंडरी डेप्थ सेंसिंग कैमरा की यहाँ पर बात की जाए तो 13 MP कैमरा देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपका हो सकता है 13 MP आपका सिर्फ डेप्थ सेंसिंग नहीं बाकी आपका फंक्शनलिटी भी करे। और इसके अलावा सामने की बात करें तो 20 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा नोकिया 7 प्लस को जिस चीज के लिए आपका पसंद करा गया कैमरा के लिए वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, इस बार आपको जीस ऑप्टिक्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, इन आपको लेंस बहुत अच्छे देखने को मिल जाता है कैमरा के। और इसके अलावा आपको नोकिया 7.1 प्लस का डाउनग्रेडेड वर्जन भी यहाँ पर बताया जा रहा है लॉन्च होगा, ये ना आपका नोकिया 7.1 जिसके अंदर आपका स्नैपड्रैगन 710 ही बताया जा रहा है पर आपका जो कैमरा वगैरह में आपकी कंजूसी थोड़ी सी करी जाएगी आपके नोकिया 7.1 में। पर यहाँ पर अगर प्राइसिंग की बात करें तो आपकी कम बताई जा रही है नोकिया 7.1 की, आपका लगभग 18-19 हज़ार रुपये में देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पर प्राइसिंग अगर कम भी रहती है आपकी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी क्योंकि आपका नोकिया 6.1 प्लस को आपका सिर्फ लगभग 13 हज़ार रुपये में ही लॉन्च करा गया था चाइना के अंदर। और इसके अलावा 4 अक्टूबर के लॉन्च इवेंट के लिए आपके नोकिया ने आपके इन्विटेशन भी सेंड कर दिए हैं, आपका लंदन के अंदर आपका लॉन्च इवेंट रखा जाएगा तो हो सकता है वहाँ पर आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए पर मेरे ख्याल से आपका लॉन्च पहले आपका चाइना के अंदर ही होगा। तो ये कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है नोकिया 7.1 प्लस के बारे में और इसके अलावा कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी। उसके अलावा नोटिफिकेशन बेल याद से दबा देना। इसके अलावा उम्मीद आपका शॉर्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी, लाइक कर देना आज से प्लीज बिना भूले, बाकी वीडियोस भी जाकर देखो, कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो नीचे पूछ सकते हो। मिलता है आपसे डियो मटेरियल, स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।